ये नया अपडेट है मेरी लाइफ का, सो हमें ये घर खाली करना है। हैप्पी 72nd हैप्पी रिपब्लिक डे। सो आज है रिपब्लिक डे, आप सबको अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। सो ये है हमारे सोसाइटी का छोटा सा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, और ये है हमारा सुभाष और अनन्या गायब है, पता नहीं कहाँ पे है। सो 72nd रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। हैप्पी 72nd हैप्पी रिपब्लिक डे। यस माता की जय, वंदे मातरम। आई मीन जो हो ना हो ऐसे बोलते हैं वन डे, बट आई डोंट नो समहाउ रिपब्लिक डे में ऐसा फीलिंग आ ही जाता है, यू नो इंडियन और वो प्राउड टू बी इंडियन टाइप फीलिंग आ ही जाती है। और यस हम भी हैं फुल वाइट में, स्पिरिट में, फुल स्पिरिट में, रिपब्लिक डे स्पिरिट में। तो चलो अब देखते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं। तो जैसे आपने देखा अभी परेड हुआ था, जो हमारे सारे सिक्योरिटी स्टाफ है उनका एक छोटा सा परेड निकाला था उन्होंने, और अभी देखते हैं अभी इनका काफ़ी लोगों का स्पोर्ट्स वगैरह इवेंट था, सो वो उसका शायद आज वो है ना अवार्ड्स वगैरह, उसका अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे अभी चल रहा है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए थे उसके, तो आज दे रहे हैं उनको अवार्ड्स। क्रिकेट हुआ था, टूर्नामेंट हुए थे काफी, तो उनके अवार्ड्स। एक महीने से मैं देख रहा हूँ बच्चों का एक्टिविटीज, और जिस तरह से स्पोर्ट्स ने जो उनमें जान ला दी है, और वो स्क्रीन टाइम लिया फ्रूटी और इंडिया। इसीलिए रो रही अनन्या, क्यों रो रही अनन्या? टूट गया, वो तो हम ठीक कर देंगे। जरा हिलाकर दिखा, खेल रहा है क्या, घूम रहा है क्या? इसमें ना नया लग जाएगा डंडा निकाल के ना। अच्छा फू तो मार के दिखाओ, देखो घूमेगा घूमेगा, खराब थोड़ा ना हुआ है वो, देखो कोई बात, इंडिया फ्लैग को हम सीधा कर देंगे। इट्स ओके, रोने वाले थोड़ा बात है ना, तो हैप्पी गर्ल है ना। स्माइल करके दिखाओ, स्माइल करके दिखाओ, सबको स्माइल करके दिखाओ। ये देखो टूटे दांतों वाली स्माइल, टूटे दांतों वाली स्माइल। ये उड़ेगा तुमसे ना, उड़ेगा, उड़ा दो एक बार, दिखा दो एक बार। रहने यार सुभाष, क्यों मार दे यार सुभाष, वाह वाह फाइनली इसको उड़ाए बिना मारे गाने, खुद उड़ जाएगा ये देखो, सुभाष खुद उड़ जाएगा उसको उड़ाने के लिए। उड़ो सुभाष, उड़ो, जम जम जम। ओह मुंह से भी नहीं घूम रहा सुभाष यार, वाह गुड फाइनली। देखो मेरे चूड़ी का कान का बना दिया नन्या ने, कितनी प्यारी लग रही है सुभाष, मस्त लग रहा है उसे। ये मेरी चूड़ियां छन 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 छन, आई जस्ट लव दीज, मुझे बहुत अच्छी लगी आज मैंने पहना था, मस्त लग रहा था। और इस पे मैंने इंस्टा पे एक वीडियो भी डाला है ना नन्या, हाँ इसी गाने पे इंस्टा पे, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, जरूर फॉलो करना इंस्टा पे मुझे। और मैं सुभाष को तब से बोल रही हूँ चाय पिला दे, चाय पिला दे। पहले हम जाते थे नीचे रिपब्लिक डे पे, तो हमको क्या मिलते थे ना सुभाष, समोसे, समोसे। सब वही डिस्कस कर रहे थे यार, समोसे नहीं, समोसे ना मिले आज, अधूरा लगता है, इतने सालों का ट्रेडिशन टूट गया। बच्चों के लिए हुआ, उनको मिला था पॉक फ्रूटी, पग पग पोक सुनाई दे रहा है, पोक पर पर चॉकलेट पर। तो क्या हुआ, मैंने दो क्या बोलते हैं, दो बॉक्सेस, दो बॉक्सेस नहीं, दो बॉक्स पी लिए अपने, दो पैक पैक, दो पैक पी लिए थे, दो टेट्रा पैक मैंने पी लिए थे फ्रूटी के, गुड। और निहाली ने मुझे आधा दिया था, गुड, बड़ी अच्छी मैं फ्रेंड है तुम्हारी, फ्रेंड नहीं बहन, ओके ओके बहन। अब अगर आप मामा को बिलीव करते हो तो मत बिलीव करो, क्योंकि वो मेरी बहन है। ओके भाई, निहाली उसकी बहन है, निहाली उसकी ब्रांड है, पता नहीं क्या बोलती है। बीएसएफ, अच्छा बीएस बीएफएफ की बीएसएफ,
BSF, best sister forever. Oh my god. BFF का BSF. Border security force. Border security force. और कृषा भी BSF, best sister forever. अच्छा तो तुम लोग BFF भी हो और BSF भी हो. हाँ. हम तीनों. Good. यार चाय पिला दो तो आ चाय नहीं हो रहा है ना मतलब मैं बोल रही हूँ देखो टाइम पे चाय पीने तो खाना खाने का टाइम हो जाएगा सुबह सुबह मैं 7:30 बजे उठ के चाय बनाई मैं तुम्हारे आज फिर से मतलब चाय बनाई मतलब चाय पी ली यस हैप्पी रिपब्लिक डे तो बोल दो ना हम हैप्पी रिपब्लिक डे चलो मेरे को खुद ही बनानी पड़ेगी चाय फाइनली बीवी बोले और पति कैसे छोड़ सके तो तुम्हारे फाइनली चाय चढ़ा दी बीवी के लिए है ना और यहाँ पे रखा है मैंने दूध अभी हम बनाएंगे पनीर और फिर देखते हैं कुछ शॉर्टकट में बनाएंगे बटर पनीर ना मेथी पड़ा हुआ थोड़ा सा तो मेथी के पराठे ऐसे ही नॉर्मल सा पराठा बना लेती हूँ सिंपल सा ज़्यादा मसाला डाल के नहीं और मटर है थोड़ा सा पनीर तो वही सोचते हैं मटर पनीर बना लेते हैं नहीं वो स्टड लग रहा है आज बिल्कुल हीरो हीरो बनाता हुआ चाय कब नहीं लगता ऐसा सुभाष जब नहीं लगता स्टार्ट प्लीज बताना कि सुभाष आज स्टार्ट नहीं लग रहे वो टैग करना वाला वीडियो हर कमेंट में हर वीडियो में कमेंट आएगा सुभाष आज ही लग रहा स्टार्ट है ना मजा आता है लेग पुल करने में सुभाष का हा? ये बहुत पुल करता है मेरा लग जब मैं पहले हम लोग मिलते थे ना तब सुभाष बोलता था यार लेग क्या पुल करूं लेग पुल करके तो लंबी भी नहीं होगी अब तो इस एज में इतनी लेग पुलिंग करता था मेरी चलो बनाओ सुभाष के हाथ की कड़क चाय पियेंगे हम तुमने नहीं बनाया अपने लिए नहीं मैंने चल लेके आओ अकेले ही हम एंजॉय करेंगे चाय अभी मैं बना रही हूँ पनीर और ये तो इतना रेगुलर था मेरे वीडियो में पहले पनीर फ्रॉम पनीर क्वीन यस पनीर क्वीन एक्चुअली काफी लोग यही बोलते हैं मांची पनीर ही बनाया होगा कुछ भी पूछा था क्या बनाया तो पनीर ही बनाया होगा एक्चुअली फिर भी काफी लोग आप में से ट्राई नहीं कर रहे हो ना करके देखो बहुत सिंपल है बहुत सारे वीडियो मैंने शेयर किए हैं पनीर बनाने का बहुत सिंपल है देखो सिर्फ दूध उबल गया ये डाला ये खटा दो मिनट में वैसे काफी लोगों ने बनाया भी है काफी लोगों ने शेयर किया है काफी लोगों ने ट्राई किया है एंड वो कहते हैं बहुत मस्त है एंड दे आर नॉट बाइंग पनीर एनी मोर फ्रॉम द मार्केट बहुत सॉफ्ट बनता है एक्चुअली रीजनेबल सस्ता और मस्त यस तो मेथी का पराठा बिल्कुल बेसिक बना रही मैं मेथी का पराठा वाला पराठा नहीं बना रही हूँ सिंपल बना रही हूँ कि सब्जी के साथ रोटी की जगह मेथी बची हुई थी मेरी तो वो बना रही हूँ तो मैंने वही अजवाइन वगैरह डाला नमक डाला मेथी डाल के थोड़ा सा ऑयल डालूंगी तो थोड़ा क्रिस्पी से बनेंगे पराठे और फिर इसको मिक्स करके आटा गूंद लूंगी ये जो आटा है थोड़ा हार्ड करके गूंदा है मैंने उसको क्योंकि अभी जो मेथी के पत्ते उसमें नमक पड़ा है तो पानी छोड़ेगा तो उसको बाद में बनाने से पहले एक बार और गूंद लूंगी डिपेंडिंग अपॉन कितना पानी चाहिए तब इसको हम ढक के रखते हैं दिखाती हूँ एक चीज जो मैंने नया ऑर्डर किया है ये देखो है ना क्यूट अरे मैं बहुत दिनों से ना ग्लास जग का सोच रही थी बहुत दिनों से वो मुझे लगा शायद बहुत प्राइसी या फिर महंगा रहता होगा तो ऑलरेडी मेरे पास दो तीन जग है क्या करूंगी बट समहाउ आई डोंट नो मेरे पास ये रिकमेंडेशन मेरे पास ना अमेजोन का रिकमेंडेशन बहुत आता है और मोस्टली शॉपिंग मेरे रिकमेंडेशन ही होती है तो सुभाष बड़ा हंसते हैं उस पर कि तुम जैसे लोगों के लिए रिकमेंडेशन करते बट सीरियसली मतलब ये दिस आई गॉट फॉर 250 या 60 मतलब इतने सस्ते में एंड दिस वॉज फ्रॉम ट्रियो बहुत पसंद आया मैंने कुछ चीज़ें और ली है तो एक बार थोड़ा और सारा सामान आ जाए ना तो थोड़े ज़्यादा सामान हो जाए फिर मैं आई ब्रिंग अ हॉल उसमें मैं दिखाऊंगी बट दिस वन आई कुड नॉट हेल्प बिकॉज आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट और ये बहुत ही अमेजिंग है बहुत सुंदर है हींग जीरा प्याज नमक फ्राई करेंगे फ्राई होने पे मैं डाल रही हूँ कुटी हुई अदरक और लहसुन आज मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ क्योंकि पराठे के साथ बन रहा है जनरली राइस के साथ मैं थोड़ा अलग बना रही हूँ मटर पनीर हल्दी धनिया पाउडर और गरम मसाला मतलब फ्राई होने पे टमाटर का पेस्ट दो टमाटर लिए मैंने मसाला फ्राई होने पे मटर डाल के उसको थोड़ा सा मैं हिला लूँगी डाल दूंगी पानी और इसको कम से कम आई थिंक 10-15 मिनट या फिर मैं देखूंगी कि जब तक थोड़े पनीर ये मटर जो है सॉफ्ट हो जाए तब तक इनको बॉईल काफ़ी थिक हो गई है तो इस पॉइंट पे मैं इसमें जो पनीर है वो डाल दूंगी और इसको बहुत देर तक कुक नहीं करूंगी बिकॉज पनीर हार्ड हो जाता है इसको 2-3 मिनट ही मैं चलाऊंगी उसके बाद इसको बंद कर दूंगी लाल मिर्च का पाउडर पानी थोड़ा ड्राई ड्राई सा कर दिया है मैंने देखिए इसका पूरा पानी जो है ना वो सूख गया है तो ये मेरा मस्त वाला ड्राई वाला मटर पनीर इज रेडी मैं गैस ऑफ कर दूंगी क्योंकि बंद करने के बाद भी पानी सोख लेगा जो पनीर है वो
बेबी अनन्या, कब से दे रखा है मैंने आपको खाना, मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ सारा। ये देखो खाना यहाँ पे पड़ा है, सिर्फ एक एक टुकड़ा यहाँ से इसने लिया है। और कितना हो गया, 15 मिनट हो गए ना सबको, 15 मिनट हो गए इसको खाना दिए हुए। 5 मिनट में खाना, मैं आपको मैक्सिमम 15 मिनट्स दे रही हूँ, ठीक है? अभी कभी स्टार्ट करो, 15 मिनट्स में ख़त्म नहीं हुआ तो अनन्या आज नो फूड डे होगा। फिर स्टार्ट तो करो अनन्या, मैं देख रही हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, स्टार्ट करो। स्टार्ट टाइम इसके बाद ही होगा। हाँ चलो स्टार्ट हो, अभी 15 मिनट्स फ्रॉम नाउ ऑन अनन्या खाना ख़त्म करेगी, ठीक है? हाँ खाओ, ऐसे कुतर कुतर के खाओ, 15 मिनट में हो जाएगा, फिर पनिशमेंट के लिए रेडी रहना आप, है ना? सो लंच कर लिया है अभी, बट अभी सोने को नहीं मिलेगा, बिकॉज हमको, अनन्या फ़ोन कहाँ रखा है आपने, आपका फ़ोन यहाँ पर बेड पर पड़ा हुआ है, बस हमको निकलना है। कल भी हम गए थे इस काम से, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ। अभी पहले पहले वो ख़त्म करो, ये रहो उधर रखो, चार्जिंग पे लगा दो। तो कल भी हम गए थे इस काम से, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, तो अभी फिर से आना, चार्जिंग पे लगा दो उसको। तो आज फिर से जाना है हमको, बताती हूँ क्या काम है। उससे पहले एक अपडेट है, जो मैं लास्ट व्लॉग में भी भूलने वाली थी, आई फॉरगॉट, मिस्ड इट कम्प्लीटली, कि नाउ वी आर प्लानिंग टू मूव। यस, सो हम प्लान कर रहे हैं टू शिफ्ट फ्रॉम दिस हाउस, सो मूव आउट फ्रॉम दिस फ्लैट। तो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारा यहाँ का जो रेंटल है ना, जो क्या बोलते हैं यहाँ का, सुबह क्या बोलते हैं उसको, यहाँ का क्या है हमारा, अग्रीमेंट है, वो फिनिश हो गया है हमारा। सो देख रहे हैं हम लोग या तो इसी सोसाइटी में या फिर अगले सोसाइटी में, एक दो कुछ और रीजंस हैं जिसकी वजह से वी प्लानिंग की वी हैव टू मूव आउट फ्रॉम दिस फ्लैट। सो वो भी हाउस हंटिंग भी अभी चालू, कुछ फ्लैट्स हम देख रहे हैं, देखा है हमने, कुछ और फ्लैट्स हमको देखना है एंड वी हैव टू फाइनलाइज। सो या ये दे नया अपडेट है मेरी लाइफ का, सो हमें ये घर खाली करना है। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ मैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। फिर मैं मिलती हूँ आपको, बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम आए हैं पिंपरी मार्केट में, दिस इज ऑल पिंपरी। एक्चुअली वो क्राउडेड वाला एरिया नहीं है, जो मेन मार्केट है वो ऑल तरफ है, जब आप देख सकते हो काफ़ी जो दुकानें हैं शॉप्स एंड ऑल। सो या जो हम लेने आए हैं वो देखने चलते हैं। हमें हरिकम में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिख रहा है हमको, एक वो है और काफ़ी नॉर्मल है, नॉट मच। अभी हम आए हैं फैबर के शोरूम में, सो दे सीम टू हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस अवेलेबल। सो ये है, अगर आप देखो तो इट्स गुड। अच्छा भैया, इसका जो आपने बोला उसका भी इलेक्ट्रिक ही बैटरी वाला नहीं है क्या? मतलब बंद हो गया, इसी मॉडल में आते थे बैटरी वाले, अभी उन्होंने चेंज कर दिया। बैटरी वाला कैसा है, वो कभी कभी प्रॉब्लम आता था ट्रांसपोर्ट में, वायर हिल गया तो फिर इसका अगर सपोज इंस्टॉलेशन में और बाद में कुछ इशू आता है तो उनका वो कैसा सर्विस वगैरह, कैसे? फ्री है, फ्री सर्विस होता है और वो लोग आते हैं घर पे, ऐसा है क्योंकि काफी जगह ऐसा होता है ना कि कॉल पे आते हैं, 24 आवर्स में घर पे आके देखते हैं। स्टील का आएगा, पूरा ब्लैक आएगा, इसका स्टील आएगा। अच्छा अभी ये स्टील का है, वो शायद पूरा ब्लैक ब्लैक में मिलेगा, ब्लैक। ये वाला क्या है तुम्हें, ये वाला कौन सा, ये वाला, ये वही है क्या जो ऊपर रखा है? अच्छा ये इनबिल्ट है, मुझे पता होता है ये ब्रास वाला है वो, और ये सेम है, डिफरेंस है कि ये ब्रास है और वो लोहे का है, तो उसमें कास्टिंग आयरन, देख लिया प्रेस्टीज और हमने देख लिया ग्लेन और एलेगा, हाँ ग्लेन। और मैं अटकी हूँ प्रेस्टीज में, संभव ऐसा लगता है कि अपना कंपनी है, तो लेट्स सी अभी क्या डिसाइड करते हैं। वापस तो यस, हम लोग जैसे आपने देखा वीडियो क्लिपिंग में, हम लोग गए थे गैस स्टोव लेने के लिए। तो हमने पहले सोचा था, जैसे मैंने आई थिंक दिसंबर में पूछा था आप लोगों से सजेशंस, यू नो आप लोगों में से काफ़ी लोगों का अच्छे अच्छे काफ़ी सजेशंस आए थे, तो वही हमने ऑनलाइन काफ़ी चेक किया, अभी पीछे अमेजोन का काफ़ी डील वगैरह गए, बट समहाउ हमको ऑनलाइन ना इतना कन्विंसिंग नहीं लगा,
तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो पिंपरी मार्केट है, पिंपरी मार्केट में काफ़ी सारे गैस हॉब्स के जो है ना, वो काफ़ी सारे स्टोर्स वगैरह थे, आउटलेट्स थे, तो वहीं पे हम देखने गए थे। कल भी हम गए थे पर कल हमको उतना खास पसंद नहीं आया, तो आज हम कुछ स्टोर्स आउटलेट्स और गए थे चेक करने के लिए। सो इतना ढूंढ ढूंढ के फाइनली हमको एक पसंद आया, पर वो उनके पास नहीं था। आई मीन वो उनके पास शोपीस वाला जो होता है ना एक दिखाने के लिए, वो था बट फ्रेश पीस नहीं था। तो उन्होंने बोला मोस्ट प्रॉब्ली 1 वीक में आएगा। सो लेट्स सी कब आता है, फिर वो बताएंगे, फिर हम फिर वो आएगा फिर लेके आएंगे। सो ये था। और बाकी आज पिंपरी मार्केट में मुझे बड़ा डर लग रहा था मैं, बिकॉज थैंक गॉड कि हम लोग बाइक में थे, मतलब तो पता नहीं इतनी भीड़ से निकलते कैसे हम लोग, और इतनी भीड़, मतलब एक रास्ता था वो 1 वे था, तो वी मिस दैट, तो हम गलती से उस रास्ते में पहुंच गए। तो उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते में आने के लिए मतलब पूरे भीड़ से हमको निकलना पड़ा है। सो स्केर्ड, मतलब अभी भी यार कोविड तो है ऑब्वियसली, मतलब और इतने भीड़ में हम लोग बिल्कुल नहीं जाते हैं, अवॉइड करते हैं बिल्कुल कम्प्लीटली। और वो पिंपरी मार्केट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो ना ऐसा है ना बहुत हैपनिंग जैसा फील होता है वहाँ पे जाके, ऐसी विंडो शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग पहले बहुत जाते थे वहाँ पे, पर अभी कोविड वोविड के चक्कर में ना उधर बिल्कुल जाना नहीं हुआ। तो वो सब मार्केट देख के बड़ा अच्छा फील होता है, लग रहा उतर के यू नो सब देखो क्या क्या है, क्या क्या है, लो ना लो वो देखने में बड़ा मजा आता है। बट समहाउ काफ़ी भीड़ थी, तो ऑब्वियसली अभी कोविड टाइम में तो बिल्कुल ही हम नहीं जा सकते हैं। सो या अभी देखते हम चाय वाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। सो अभी हो रहे हैं 6:15, यस, और सुभाष मीटिंग के लिए भाग रहे हैं, भाग गए, और अनन्या की चल रही है पढ़ाई, और यस मैं क्या कर सकती हूँ उस टाइम पे, ऑब्वियसली मैंने चढ़ाई है चाय। तो चलो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अनन्या यस मुझे पता था होगी तुम आके बोलते बोलते ना, इधर उधर लाइट नहीं है। सो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो बिल्कुल करना। तो चलो हम मिलते हैं, आपको भूलना मत बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल बटन क्लिक करना तो आप एक भी वीडियो या फिर ब्लॉग मिस नहीं कर सकते। यस, बेल बटन जरूर क्लिक करना, उससे आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो चलो बाय बाय एंड यू ऑल टेक केयर, बाय बाय।